हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओवरनाइट डैंड्रफ ट्रीटमेंट, हेल्थी हेयर टिप्स, साथ ही स्ट्रॉन्ग हेयर टिप्स, साथ ही डैंड्रफ ट्रीटमेंट एट होम रेमेडीज आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यानी ये आपके डैंड्रफ को रिमूव करने का काम करेगी, बालों को हेल्थी बनाने का काम करेगी, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेगी। तो इसके लिए हम देख लेते हैं हमें किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है 1 कप वाटर, यानी 1 कप आपको यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 6 से 7 लौंग लेनी है। आप देख सकते हैं कैमरे में, मैंने यहाँ पे 6 से 7 लौंग का इस्तेमाल करा है जो आपके बालों को थिक करती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है मेथी। इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है कड़ी पत्ता, जिसका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब आप एक बर्तन के अंदर 1 कप पानी डाल दें, जिसके अंदर हम इसे बॉईल करेंगे, बनाने वाले हैं। उसके अंदर फिर आप कड़ी पत्ता लें। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास फ्रेश नहीं है तो मैं यहाँ पे सूखे कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून करीब यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता ले रही हूँ। और इसके बाद आपको लेना है लौंग। लौंग आपके बालों को थिक करने का काम करती है और कड़ी पत्ता आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, काला करता है। इसके बाद आपको लेनी है यहाँ पे मेथी दाना। मेथी दाना आपके बालों को थिक करता है, उसे मोटा बनाने का काम करता है, साथ ही नए बाल उगाने में आपके काफ़ी अच्छी मदद करता है। तो अब हम इसे गैस पे 10 से 8 मिनट के लिए बॉईल करने रख देंगे, 8 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। 8 से 10 मिनट आपको इसे बॉईल करने में लगता है। जब आप इसे बॉईल करेंगे, आप देखेंगे आपका जो पानी है ना, पानी का जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है और आपका ये वाटर बिल्कुल रेडी है। 8 से 10 मिनट के बाद आप इसे छन्नी की मदद से छान कर निकाल लें, क्योंकि हमें इसका पानी चाहिए। जो भी मेथी दाना है, करी पत्ता है, लौंग है, इसके जो गुण हैं जो हमारे बालों में ग्रोथ करेंगे, डैंड्रफ को रिमूव करेंगे, साथ ही बालों को स्ट्रॉन्ग हेल्थी बनाएंगे, वो पानी के अंदर अच्छे से आ चुके हैं। अब ये जो वाटर आपको मिला है, इसे अपने बालों में आपको स्प्रे करना है। अच्छे से अपने बालों में स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद 30 मिनट लगे रहने दें। अगर आप चाहें तो अच्छे रिजल्ट के लिए ओवरनाइट भी इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इतना हैवी नहीं होता, ये एक पानी है। बस आप इसे अपने बालों में स्प्रे करें, अच्छे से मसाज करें, उसके बाद ओवरनाइट लगे रहने दें। लेकिन अगर आप इसे ओवरनाइट नहीं लगा सकते तो दिन में 2 घंटे आप इसे इस्तेमाल करें या 30 मिनट इस्तेमाल करें, देन फिर सादे पानी से और शैम्पू के साथ आप इसे वॉश कर सकते हैं। ओवरनाइट डैंड्रफ ट्रीटमेंट है ये, आपके डैंड्रफ को ओवरनाइट में आपको, मतलब पूरी रात अगर आप इसे लगाएंगे तो डैंड्रफ को बहुत फास्ट आपके रिमूव करेगा। हेल्थी हेयर टिप्स भी, यानी आपके बालों को हेल्थी बनाएगा, स्ट्रॉन्ग हेयर आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। डैंड्रफ ट्रीटमेंट एट होम रेमेडीज में सबसे बेस्ट रेमेडीज है, जो आपको काफ़ी इफेक्ट करती है डैंड्रफ को लेके और साथ ही बालों की ग्रोथ को लेके। तो दोस्तों, आज की रेमेडी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।